Manipur Governor Anusuya Uke has urged journalists to preserve truth and to be honest in their work amidst criticism on the media. During the 49th Foundation Day of celebration of Manipur Press Club held today in Imphal, the governor said that the role of the media is very important in raising consciousness to promote peace, harmony and brotherhood beyond caste, religion and personal interests. The media is considered the fourth pillar of democracy, she said. The media has received such great respect, and due to this, the media's responsibility also increases, said Uke. Nonetheless, Uke highlighted the formidable challenges and difficulties faced by the media fraternity, particularly in conflict-ridden states like Manipur. Stating the vital role of journalists, she urged them not to succumb to threats and pressures. She emphasized the importance of delivering unbiased and accurate reports. भी हमारे मीडिया पर्सन किसी भी कीमत पर धमकियों और दबाव में नहीं आते हैं। अंत में मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि पत्रकारिता का मुख्य ध्येय सेवा है और उसका असली काम जनता के मस्तिष्क को शिक्षित करना है, ना कि उसे जरूरी और गैर जरूरी धारणाओं से भर देना है। वही श्री मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था कि जो बात असत्य, दुखदायी और खोटा हो उसको किसी भी अवस्था में मुंह से न निकलना, यह वाणी का सात्विक तप है। आशा है कि आप इन महापुरुषों के विचारों पर चलकर अपनी पत्रकारिता करेंगे। मैं एक बात यहां पर जरूर कहना चाहूंगी कि मेरी लाइफ में, मेरे जीवन में मीडिया कर्मियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब मेरा अपना प्रारंभिक जीवन में स्टूडेंट लाइफ से ही जब प्रारंभ किया, मैंने ये कभी कल्पना भी नहीं किया था कि कभी मैं इस मुकाम पर गवर्नर तक पहुँच पाऊंगी। और वास्तव में सच बता रही, एक ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में मैंने जीवन का अपना एजुकेशन लेकर एक शहर में जब मैं आई और फिर उसके बाद मेरी पढ़ाई जब स्टार्ट हुई, मैं स्टूडेंट लीडर के रूप में कॉलेज में कार्य करती थी एक सोशल वर्क के रूप में, और धीरे धीरे कुछ मेरे जीवन में परिवर्तन आया और जो मेरी गतिविधि रहती थी और जो कुछ भी उसके बाद मेरा राजनीतिक कैरियर, मैं कॉलेज, इसके बाद कॉलेज में लेक्चरर के रूप में मैं फिर पॉलिटिक्स में आई 1985 में फर्स्ट एमएलए के रूप में, तो जो वर्किंग मेरी अपनी रहती थी, तो ये जो पत्रकारिता के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से जो मेरी चीजें छपती थी, एक नई ऊर्जा मुझे मिलती थी और उसकी महत्ता को मैंने अच्छी तरह समझा कि हमारी जो भी आज पॉलिटिक्स हो या सोशल हो, जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, और आज के परिप्रेक्ष्य में इन सारी चीजों में आप लोगों की भूमिका को मैं बहुत महत्वपूर्ण समझती हूँ।